हेलो एवरीवन, दिस इज विलियम बोले। आइए आज एक बहुत सुंदर सा एक गीत हम सीखेंगे गिटार में बजा करके। और गीत का बोल है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हम इसको किस तरह से बजाएंगे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। और इस गीत को बजाने के लिए मैं डी मेजर का प्रयोग कर रहा हूँ, डी मेजर से बजा रहा हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस गीत का जो लीड जो है उसको हम इस तरह से बजाएंगे, तो मैं यहां पर बजा रहा हूं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मैं ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मैं ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मैं ना लौटूंगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह का प्यार को जाना है और दिल की गहराई से उसको पाया है, चाहे जीवन में कितना भी दुख और तकलीफ क्यों ना आ जाए, कभी भी वो फिर वापस प्रभु को छोड़कर के नहीं जाए। जीवन में दुख और तकलीफ जब तक हम जीवित हैं वो बना रहेगा। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। इसका लीड बहुत सिंपल है। यदि कोई मेरे भाई बहन जो बजाना चाहते हैं गिटार में, तो इस लीड को बजाना बहुत ही आसान है। थोड़ा अभी ध्यान से इसको देखिए कैसा बजाना है। तो मैं चला आ रहा हूँ फ्रेट नंबर 1 2
3, 4, 5, 6, 7 जो हम इस तरह से डी पकड़ते हैं यहां से। तो थर्ड स्ट्रिंग से मैं इस गीत को प्ले कर रहा हूं, थर्ड स्ट्रिंग से इस गीत को मैं प्ले कर रहा हूं, ऐसा जा रहा है। यहां से फिर सेकेंड स्ट्रिंग, देन फर्स्ट स्ट्रिंग, ऐसा करके। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। ध्यान से सुनिए, यीशु के पीछे, और एक बार बजाने का तरीका ये है, मेरा फर्स्ट फिंगर से मैं ये थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग को प्रेस कर रहा हूं, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ये देखिए इस तरह से, थर्ड स्ट्रिंग को एक बार, सेकंड स्ट्रिंग को एक बार, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, ऐसा करके आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर नेक्स्ट, और एक बार, नाम लौटूंगा, संसार को छोड़कर करता हूं, थोड़ा सा जरूर आपको सीखने का मौका मिला होगा, खासतौर से वो मेरे बिगनर भाई बहन जो लर्नर से जो सीख रहे हैं, इस तरह से बजा करके आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले समय में फिर एक कोई गीत को लेकर के आपके बीच में आऊंगा, ताकि हम सब सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच।